बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, इसकी लर्निंग चेक 1.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है लिखा जा सके। मिसाल के तौर पे जैसे ये लिखा हुआ ना, उससे पी ओवर क्यू। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स उसने गिवन हैं, और याद रखना है इसमें एक शर्त ये भी है कि जो नीचे वाला नंबर है ना, यानी पी ओवर क्यू में लिखा जाए, और जो नीचे वाला नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी आपके पास कोई नंबर इस तरह का होगा तो वो रैशनल नहीं होगा। दूसरी चीज़, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से मुराद ऐसे नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब हम इनकी कुछ हिंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इरेशनल और रैशनल नंबर्स की कुछ निशानियाँ जो कि आपने याद रखनी है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है, तो कैसे पता चलेगा। देखें, जो इरेशनल होगा उसकी निशानी ये होगी कि स्क्वेयर रूट में नंबर होगा, लेकिन जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वेयर से मुराद ये है कि वो किसी का स्क्वेयर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जैसे 2, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 14, ये इस तरह के नंबर्स होंगे जो कि किसी के स्क्वेयर नहीं हैं। जबकि रैशनल जो होगा वो ऐसा नंबर होगा, अगर वो स्क्वेयर रूट में लिखा भी है, लेकिन वो ऐसा नंबर होगा जो किसी का परफेक्ट स्क्वेयर होगा। मिसाल के तौर पे जैसे 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है। ये किसका स्क्वेयर होता है? 9 3 का। जैसे 16 है, 16 किसका स्क्वेयर है? 4 का। तो आपके पास रैशनल की तो एक निशानी तो हमने डेफिनेशन में पढ़ ली कि फ्रैक्शन की शक्ल में होगा। दूसरी निशानी ये कि अगर स्क्वेयर रूट में लिखा होगा तो फिर आपने नंबर के ऊपर गौर करना है। अगर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर ना हुआ तो इरेशनल है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वेयर हुआ तो फिर वो रैशनल है। उसके बाद रैशनल और इरेशनल की एक और आपने मिसाल याद रखनी है, एक और निशानी याद रखनी है कि रैशनल जो होता है वो रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हों तो वो रैशनल है। दूसरी चीज़, रैशनल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। रैशनल क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरी इसमें आएगी एक इसकी निशानी कि वो रिपीटिंग डेसिमल भी है। जाहिर सी बात है कि जब वो रिपीटिंग डेसिमल होगा उस वक्त वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्योंकि वो रिपीटिंग डेसिमल काउंट हो रहा होगा, उसमें नंबर जो है वो डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे बार बार पैटर्न के हिसाब से। इरेशनल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है। ये फिक्स है कि इरेशनल जो है, एक तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसमें नंबर जो होंगे वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो अब हम जो है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल। हमने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल फाइंड आउट कर लेने। देखें, ये पहला पार्ट दिया हुआ है स्क्वेयर रूट 3। 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। बी पार्ट है 5/8, माइनस भी है साथ में, हमने पढ़ लिया था। रैशनल जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है तो रैशनल है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, रैशनल है। डी पार्ट देखें, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, रैशनल है, बेशक माइनस है साथ में। ई पार्ट चेक करें, स्क्वेयर रूट में 289। अब ये क्यों रैशनल है, उसकी वजह देखना है कि जो 289 है ना, ये 17 का स्क्वेयर होता है, और हमने कहा था कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर होगा वो रैशनल होता है। अगला नंबर है 1.82, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म हो गए हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो रैशनल होता है, तो एफ वाला पार्ट जो है वो रैशनल है। जी पार्ट है 0.7373। अब ये देखिए, नंबर रिपीट हो रहे हैं, जब नंबर रिपीट हो तो वो भी रैशनल होता है, अभी हमने पढ़ा है। स्क्वेयर रूट 12, 12 जो है वो किसका स्क्वेयर है? किसी का भी स्क्वेयर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता। जब ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। अगला है 0.625, पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म हो गए हैं, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/8/23, बेशक मिक्स फ्रैक्शन है लेकिन है तो फ्रैक्शन ही है, तो ये रैशनल नंबर है। लास्ट है 13/4, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो ये रैशनल है। तो फ्रैक्शन में लिखे हुए नंबर रैशनल होते हैं, और जो फ्रैक्शन में ना लिखा हो उसकी आपको निशानियाँ मैंने पहले बता दी हैं।
क्वेश्चन नंबर टू है, शो द गिवन रियल नंबर्स और नंबर लाइन। ये आपको नंबर दिए गए हैं और कहता है ये रियल नंबर्स है, इसको रियल लाइन जो है यानी नंबर लाइन उस पर आपने ड्रॉ करना है। उससे पहले हम रियल नंबर्स को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 8 पे रियल नंबर्स की डेफिनेशन है, वो आपने गौर से पढ़ लेनी है। देखें रियल नंबर्स क्या होता है, वो क्यू यूनियन क्यू डैश। अब ये क्यू क्या है, क्यू से मुराद रैशनल नंबर, यूनियन क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, इन सारे को कंबाइन कर देंगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। रियल नंबर याद रखना है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। यानी अगर हम रियल नंबर्स को देखेंगे नंबर लाइन पे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मौजूद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर रैशनल कहलाएंगे। वो फ्रैक्शन में हों, वो प्लस माइनस वाले नंबर हों, वो डेसिमल में हों, वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, सारे के सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल, दोनों को मिलाकर जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर टू जो है उसका सॉल्व करते हैं कि जिसमें हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर टू जो है, शो द गिवन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपके पास पार्ट ए में -3.2, -1.5, 0.3, 2.1, 3.5 कुछ नंबर पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। डेसिमल में आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेंटर में जीरो मार्क कर लेना है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। देखें जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 और पीछे -1, -2, -3 और -4, इस तरह नंबर आपने मार्क कर लेने हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद आपने करना ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनको उसी हिसाब से आपने, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, ये हम लोग अंदाजन जो है ना यहाँ पे नंबर्स को मार्क कर लेंगे। जैसे 0.3 जो है वो 0 और 1 के हमने यहाँ पे सेंटर में तो नहीं, सेंटर से थोड़ा पीछे जो है वो निशान लगा लिया है। 2.1 था तो वो 2 और 3 के दरमियान है। 3.5 है तो वो 3 और 4 के दरमियान है। -1.5 जो है वो -1 और -2 के दरमियान लगा दिया है। -3.2 है तो वो -3 से थोड़ा आगे और -4 से काफ़ी पीछे जो है हमने निशान लगा लिया कि वो -3.2 है। ये आपके सामने नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। बी पार्ट है -2/2, -1/1, 1/2, 2/1, 3/1। आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है। सबसे पहले आपने करना ये है कि तमाम मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में आप कैलकुलेटर की मदद से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है असल में, तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कन्वर्ट कर ले। कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर में जीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। कहाँ तक लिखनी है वो आप चेक कर लें कि आपके सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस में कौन सा नंबर है और माइनस में कौन सा नंबर है, तो वो लिखने वहाँ तक आप कम से कम लिख लें, या उसे एक एक नंबर एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अब आप उस हिसाब से अपने नंबर्स जो हैं वो मार्क कर लें। देखें डेसिमल में आपने ढूंढने हैं नंबर, जैसे 2.5 है वो 2 और 3 के दरमियान है, वहाँ निशान लगा लें। लेकिन यहाँ पे 2.5 नहीं लिखा हुआ, बल्कि मैंने जो 2.5 जिसको कन्वर्ट किया ना 2/1/2 उसको लिख दिया 2/1/2। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3/1/2, 3/1/2 जो है उसका डेसिमल में बनता है 3.5। 3.5 जो है वो 3 और 4 के दरमियान आएगा, तो यहाँ पे निशान लगा के मैंने लिख दिया 3/1/2। इससे पहले जो दो नंबर थे नेगेटिव, उसमें हमारे पास था -2/1/2, यानी वो डेसिमल में बनता है -2.5। अब -2.5 जो है वो -2 और -3 के दरमियान बनता है। इसी तरह -1.5 जो है वो -1/1/2 का बनता है, वो -1 और -2 के दरमियान है, वहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया है। पार्ट सी हमारे पास है -8/5, -1/4, 1/5, 7/4, 13/5। अब सबसे पहले आपका काम है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तमाम फ्रैक्शंस को। उसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, सेंटर में जीरो रख लें, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, और लेफ्ट साइड पे -1 और -2 यानी नेगेटिव नंबर्स है। अब आपने अपने ये जो फ्रैक्शंस हैं उसी हिसाब से आपने इनको मार्क कर लेना है। देखें ये कोई एक्यूरेसी इसमें नहीं होगी कि आपने एग्जैक्ट यहीं पर ही निशान लगाना जहाँ पे ये डेसिमल आ रहा है, आपने अंदाजन जो है ना ये मार्क करने होते हैं। डी पार्ट है आपके पास कुछ डेसिमल में नंबर है और कुछ फ्रैक्शंस हैं। इनको सबसे पहले आप तमाम जो आपके पास फ्रैक्शंस है उसको कन्वर्ट कर लें। आपके सामने मैंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है इसको डेसिमल में। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें,
यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरे पास तमाम नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो माइनस वाले शो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ज़ीरो से शुरू कर लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक लिखना है? जो आपके नंबर्स हैं ना पॉइंट में, उसमें सबसे बड़ा नंबर देखें कौन सा है, 7। तो 7 की बजाय मैंने एक नंबर ऊपर लिख लिया है, आप 7 तक भी लिख सकते थे। अब ये पॉइंट के नंबर जो है ना, आपने एग्जैक्ट तो नहीं लगाने, एक्यूरेसी तो इसमें नहीं है, आप अंदाजन जो है इसको आप जहाँ पे ये नंबर आ रहे हैं वहाँ पे इसको मार्क कर लें, निशान लगा लें और सर्कल कर लें। ई पार्ट है -5, -3, -1, 1, 3 और 5, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 सेंटर में रख लें, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। अब उस हिसाब से अपने नंबर्स को जो है आप निशान लगा लें। इसमें कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो सिंपल सवाल है, -5 ये आ गया, -3 ये है, -1 ये, 1 आपका ये है, 3 ये है, 5 ये, तो इसको आप इजीली मार्क कर सकते हैं। पार्ट एफ जो है वो आपके पास है -5.4, -6.1, -4.5, -2.3, -1। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो आप यहाँ पे देखें जितने नंबर्स हैं सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप क्या करें कि 0 से यहाँ पे लिख लें, और 0 लिखने के बाद उसके पीछे जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनको लिख लें। अब उस हिसाब से अपने जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको आप मार्क कर लें, ये आपके सामने मैंने मार्क किए हुए हैं। आप चाहे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर मौजूद नहीं है। तो ये पार्ट एफ की नंबर लाइन है, आप इसको केयरफुली देख लें, इसको आप ड्रॉ कर लें वीडियो पॉज करके, जिस तरह ही मैंने ड्रॉ की है। आप चाहें तो पॉजिटिव नंबर 0 के आगे यहाँ पे लाइन थोड़ी लंबी कर लें, और कुछ पॉजिटिव नंबर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए नंबर लाइन बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने बिल्कुल देखा कि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो फिर हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही लिखे हैं, और 0 जो है वो मैंने मिस कर दी, तो वो मैंने लिख लिया। तो 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स लिख के, तो आप इसको जो नंबर आपको गिवन है वो उसको आप अपने हिसाब से जो है अंदाजन आपने निशान लगा लेने हैं। पार्ट जी है -4, -2, 2/5, 0.2, 2/1/4, 4.4। सबसे पहले आपका काम है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, बाकी तो पहले से ही डेसिमल में मौजूद हैं। इसको नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर लें, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, तो ईजीली आप इनको मार्क कर सकते हैं। मार्क करते वक्त आपने असल में वही नंबर्स लिखने जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि नंबर लाइन पर ढूंढने में आसानी हो। पार्ट एच है -√49, -√16, -√4, -√25, -√64। सबसे पहले आप इसके आंसर्स निकाल लें, कैलकुलेटर की मदद से आप इनके आंसर निकाल लें, ये आपके पास आंसर आ गए। अब आप इनको आसानी से जो नंबर लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, कहाँ तक जाना है ये आपके पास नंबर्स है, इसी हिसाब से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। अब आपने जब मार्क कर लेना है तो ऊपर आपने ये लिख देना है कि असल में ये जो 8 था, सबसे पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, और ये नंबर्स आपने यहाँ पे मार्क कर लेने हैं उसी हिसाब से। और ऊपर ये जो मार्क करेंगे, जैसे -7 जो है वो -49 का स्क्वायर रूट है, तो आपने ऊपर यही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मार्क उस नंबर को करना है जो इनके आंसर्स आएंगे, उसी हिसाब से आपने नंबर लाइन पर मार्क करना है। ये इसीलिए आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, ताकि नंबर लाइन पर आंसर ढूंढना ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। ये आपको कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो लाइंस वर्टिकल लगा लेते हैं, उसके दरमियान नंबर लिख लेते हैं। जैसे पहला नंबर है -√5, मैंने दो लाइंस इर्द गिर्द लगा दी। अब क्या करेगा, नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव कर देता है, यानी माइनस हटा देना है। और अगर प्लस वाला कोई नंबर है, जैसे इसका दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर को वो पॉजिटिव ही रहने देता है, सिर्फ नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में। इसी तरह तमाम सवालात में आपने यही करना है, आपने दो लाइन लगानी है इर्द गिर्द वर्टिकल, और अंदर नंबर लिखना है। माइनस वाला होगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में रहेगा। इसी तरह सी पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद डी पार्ट है -6/7, उसको हमने देखें दो लाइन लगाई है इर्द गिर्द, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव नंबर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर ई पार्ट में देखें -3.5,
वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला वैसे ही रहेगा। एफ वाले पार्ट में माइनस वन ओवर टू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, जबकि पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव में रहेगा। जी वाले पार्ट में माइनस फाइव है, उसके इर्द गिर्द एब्सोल्यूट आपने लाइन लगा लेनी है दो वर्टिकल, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा। एच पार्ट है हमारे पास माइनस टेन, स्क्वेयर रूट टेन और स्क्वेयर रूट टेन, तो आपने करना ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी प्लस वाले नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस वाले का नंबर आपने, माइनस वाला जो नंबर होगा उसके साथ से माइनस आपने हटा लेना है। करना ये है कि दो वर्टिकल लाइंस लगानी है, जो सीधी लाइन लगानी है और उसके दरमियान नंबर लिख लेना है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।